अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा आपको बता दें, बिजनौर पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। ईद के खेत में चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पकड़ लिया। आपको बता दें जिसमें 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से बने अधबने तमंचे तथा काफी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद हुए। अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण पाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बैराज से धर्मनगरी मार्ग पर एक खेत में चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। बिजनौर SP डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि मौके से काफी मात्रा में बने अधबने तमंचे व जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। 4 व्यक्तियों को मौके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 4 व्यक्तियों को संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। SP ने बताया कि पंचायत चुनाव नजदीक आने को लेकर अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया है। बिजनौर के तेज तर्रार SP ने 7 फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल सैनी, बिजनौर, UP। जनपद बिजनौर में स्वाट टीम और इंस्पेक्टर कोतवाली नगर संयुक्त टीम द्वारा शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई है। इसमें से 4 अभियुक्त और 8 बने अधबने तमंचे और फैक्ट्री बनाने के उपकरण बरामद हुए। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 202-315 बोर के कारतूस, जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। जो अगली कार्रवाई होनी है, ये शस्त्र लाइसेंसी जितने 315 बोर के हैं उनके लाइसेंस का वेरिफिकेशन, उन्होंने कितने कारतूस लिया, कितना यूज किया और यूज किए हुए खोखों का क्या किया, इसका सत्यापन पूरे जिले स्तर पर कराया जाएगा। और अगर उसमें हेराफेरी नजर आएगी तो उस शस्त्र लाइसेंस धारक के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। जाहिर सी बात है, जिंदा 315 बोर के अगर कारतूस बरामद हुए हैं तो कहीं न कहीं से ये उपलब्ध कराया जाए। विगत दिनों में इस जनपद में 7 शस्त्र फैक्ट्री बरामद हुआ है। ये बेचने का कार्य करते हैं, कोई इनका फिक्स रेट नहीं है। कोई 5,000, 7,000, 2,000 जैसा ग्राहक मिला वैसे दे देते हैं। जाहिर सी बात है, पंचायत चुनाव नजदीक है तो उसके लेकर के संवेदनशीलता रहती है, तो उसी के दृष्टिगत पुलिस लगातार छापेमारी करके शस्त्र फैक्ट्री और शस्त्रों की बरामदगी कर रही है।